सभी भाइयों का हितेश यादव की तरफ से नमस्कार। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल कन्हैया लाल डेयरी फार्म पर। जो भी पशुपालक भाई आज हमारी इस वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। आज हम आपको काफ़ी शानदार क्वालिटी की हीफर दिखा रहे हैं। आगे मैं आपको भाई से मिलवाता हूँ और हीफर के बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब गांव कौन सा है? जिला, तहसील? भाई साहब जो कैमरे के सामने हीफर है, ये कितने मंथ की हो गई? ये 1.5 साल की हुई भाई साहब। अच्छा अच्छा भाई साहब, मदर रिकॉर्ड इसका कितना है भाई साहब? 18 किलो 700 ग्राम। और फादर लाइन? फादर लाइन है HLDP जो आशिमन का भाई। अच्छा, टैग नंबर वगैरह नहीं पता आपको? नहीं पता भाई। ये अच्छा भाई साहब, आपको इसको बचपन में कितना दूध पिलाया था भाई साहब? सुबह शाम दोनों टाइम का 2-2 किलो भाई साहब। तो आप देखने वाले भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि 2-2 किलो दूध पिलाकर भी हम इतनी शानदार कटिया तैयार कर सकते हैं। जो भाई 15-15, 20-20 किलो दूध कटिया को पिलाकर तैयार कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लागत लग जाती है। आगे जब हम कटिया को सेल करते हैं तो उसमें प्रॉफिट नहीं मिल पाता। तो अब भाई साहब इसको खाने में क्या दे रहे हो? सरसों की कड़ी। तो भाई साहब कितनी डाइट हो जाती है दिन की? दिन की लगभग 2.5-3 किलो हो जाती है भाई साहब। अच्छा अच्छा, तो भाई साहब हम कम लागत में भी अच्छी कटिया तैयार कर सकते हैं। काफ़ी हाइट लेंथ की कटिया है, बिल्कुल रिंग सींग में, छोटे सींग के बिल्कुल इक्वल बैलेंस पे, जेड ब्लैक कलर में, टेल में कुछ ही बाल वाइट हैं। काफ़ी शानदार, काफ़ी चौड़े पीठ पुट्ठे की कटिया। टेल को मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। 1 इंच टेल वाइट है और बाकी बाल हैं। नीचे से मैं कटिया को कवर करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल अलग अलग चारों थन, बिल्कुल साफ सुथरे, बिल्कुल शरीफ कटिया है, काफ़ी हाइट की, लेंथ की। अच्छा भाई साहब, ये आपको सेल करनी है घर रखनी है? अच्छा अच्छा भाई साहब, तो आप पशुपालक भाइयों को क्या संदेश देना चाहोगे भाई साहब? भाई साहब ये देना चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छे का प्रयोग करें, परेशान नहीं करें भाई साहब। अच्छा अच्छा भाई साहब का कहना है कि कम रखें लेकिन अच्छे रखें, अच्छे सीमन का चुनाव करें ताकि हमें आगे प्रॉफिट हो सके। 4 की बजाय 2 रखें लेकिन अच्छी रखें, अच्छी दूध वाली भैंस रखें, अच्छे सीमन का चुनाव करके अच्छी ब्रीड तैयार करें। तो भाई साहब कोई पशुपालक आपसे अधिक जानकारी लेना चाहे तो उसके लिए कोई संपर्क नंबर वगैरह? 97 28 19 19 16 75। तो अंत में सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में भी हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी शानदार वीडियो लेके आते रहेंगे। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।